सुबह की चाय के साथ शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबके लिए लेकर के आया हूं मैं एक नया वीडियो। ये वीडियो है अंबेडकर नगर का, जहां पर पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए यहां पर हिरण पार्क बनाया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया जा रहा है, वो भी 120 बीघे में यहाँ पर हिरण पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इसलिए अम्बेडकर नगर जिले को एक मुकाम तक पहुँचाने के लिए इसका निर्माण कराया जा रहा है। ये है हिरण पार्क का, जो हिरण पार्क बनने वाला है उसका वर्तमान में ये गेट है, जहाँ पर अस्थायी गौशाला खुला है। अभी इस गेट के अंदर से आपको घने जंगल के बीच में 120 बीघे में यहाँ पर हिरण पार्क बनाया जाएगा। अब आइए आपको लेकर के चलते हैं, अंदर के नज़ारों से वाकिफ कराते हैं इस जंगल के। सैर करते हुए हम लोग यहाँ पे पहुँचे, सुनी सुनाई बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर घूमने के लिए अपनी बाइक से ही निकल गए थे अंदर। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आप घनी आबादी वाले जंगल देख रहे हैं, यहाँ पर ढाकों के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि गाँव में ढाक के पत्ते, ढाक ये सब बहुत ज़्यादा होता, तो इस जंगल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ढाक के पेड़। यहाँ पर अंदर आने से पहले आपको ये मुख्य द्वार यहीं पर मिलेगा। ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये सरोवर के जस्ट बगल में बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। अब अभी हम आपको और भी आगे लेकर के चल रहे हैं, जंगल के बीचों बीच लेकर के चल रहे हैं, वहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, इस वक्त मैं यहाँ पर घने जंगल के बीच में खड़ा हूँ, जहाँ पर ये हिरण पार्क का निर्माण कराया जाएगा। देख ही रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना घना जंगल है। यहाँ पे इसी जंगल में 120 बीघे का ही हिरण पार्क प्रस्तावित किया गया है, बनाया जा रहा है। यहाँ पर बगल में ही गौशाला है, जिसे अस्थाई गौशाला कहा जाता है, और यहाँ से ही हिरण पार्क बनने के बाद ये गौशाला हटा दिया जाएगा। तो मैं आपको और भी आगे लेकर के चला आया हूँ। यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, मिट्टी के टीले ऊंचे ऊंचे बनाए गए हैं यहाँ पे। हिरण पार्क के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सब बनाए जा रहे हैं। दोस्तों आप ये देख रहे हैं, मैं आपको ये अंदर का ही नज़ारा दिखा रहा हूँ यहाँ पर। वैसे आपको ये बताते चलें कि ये स्थान, ये हिरण पार्क जो बन रहा है, ये जैतपुर खास एक गाँव है, वहाँ पर 120 बीघे का सरकारी जमीन है, जिसमें ये बनाया जा रहा है। दोस्तों मैं इसका एग्जैक्ट लोकेशन आपको बता दे रहा हूँ, हिरण पार्क का जो यहाँ पर बन रहा है, ये जैतपुर खास में एक गांव है, वहीं पर ये बनाया जा रहा है। और अगर आप अयोध्या रोड से आते हैं मिझोड़ा वाले रास्ते से, तो मिझोड़ा चौराहा से आपको 2 किलोमीटर आगे आना पड़ेगा, वहाँ पर बिछोही नदी के किनारे ये निर्माण कराया जा रहा है, जैतपुर खास के बगल में। वर्तमान समय में यहाँ पर अभी कुछ ज़्यादा निर्माण नहीं कराया गया, इसलिए यहाँ अगर आप आते हैं तो कुछ खास आपके हाथ नहीं लगेगा, निराश होकर के जाएंगे आप। चलिए अब सैर सपाटा करते हुए चलते हैं, आपको यहाँ पर मुख्य द्वार पर बन रहे सरोवर को दिखाते हैं, जहाँ पर खूबसूरत तरीके से सरोवर का निर्माण कराया जा रहा है। बन रहे यहाँ पर हिरण पार्क के बगल में एक सरोवर भी है, जो अभी इसका सौंदर्यीकरण चल रहा है, अभी नवनिर्मित हो रहा है, बनाया जा रहा है। बनते हुए सरोवर की खूबसूरती ये बता रही है कि यहाँ पर पार्क का निर्माण होने के बाद यहाँ के खूबसूरत हिस्सों की एक प्रथम हिस्सेदारी होगी इस सरोवर की। यहाँ पर इस सरोवर का सौंदर्यीकरण बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया जा रहा है, अभी बनाया ही जा रहा है, अभी बना नहीं है पूरा, और शायद इसके 1-2 साल या 3 साल लग जाए हिरण पार्क को पूरा डेवलप करने में, उसी के बेस पर यहाँ सारे काम किए जाएंगे। इस सरोवर में जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं, इसमें आने वाले समय में प्रशासन इसमें रंग बिरंगी मछलियाँ भी डाल सकती है, क्योंकि यही आकर्षण का केंद्र बनेंगे यहाँ पर, हिरण पार्क के पास में ही है, मेन गेट पर ही है ये। Thank you.
हम निकल रहे हैं और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ खास यहाँ पे नहीं है, लेकिन एक समय में यहाँ पे सब कुछ होगा और जो बदलाव के साथ नियम चल रहे हैं वो भी बदले जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम निकल रहे हैं, जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नए वीडियो में। तो इस स्थान का एक बार मैं फिर से आपको लोकेशन बता देता हूँ, किस तरह से आना है, किस रोड से आना है, कहाँ तक आना है। लोकेशन मैंने आपको बता दिया है, लोकेशन एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। अगर अयोध्या वाले रोड से अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको मिझोड़ा वाले रास्ते से, मिझोड़ा चीनी मिल के रास्ते से मिझोड़ा चौराहा आएंगे, मिझोड़ा चौराहा से फिर आपको बाएं मुड़ना पड़ेगा, बाएं से वहाँ से डायरेक्ट 2 किलोमीटर सीधे आप आइएगा, जैतपुर खास गांव है, वहीं पर बनाया जा रहा है इसका, वहीं पर निर्माण कराया जा रहा है।